पुणे से छत्तीसगढ़ के मजदूरों को लेकर आ रही चलती ट्रेवल्स में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई है। ट्रेवल्स में आग लगी देख सभी यात्री बस से कूदकर बाहर आए और अपनी जान बचाई, लेकिन इस आग में बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। सोमवार को रात 11:15 बजे सिंदखेड़ राजा के मोती तालाब के पास चलती ट्रेवल्स में अचानक से आग लग गई। छत्तीसगढ़ के बांधकाम मजदूर पूना काम करने गए थे। दिवाली होने से सभी मजदूर अपने गांव जाने के लिए पुणे से सिद्धि विनायक ट्रेवल्स ऑफिस से बुकिंग कर राधा कृष्ण कंपनी के ट्रैवल क्रमांक MH24AU1100 बस से जा रहे थे। अहमदनगर के पास सभी मजदूरों ने खाना खाया, जिसके बाद बस में सिंदखेड़ राजा के मोती तालाब के पास शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। ट्रैवल्स में कई चीजें ज्वलनशील होने से बस में आग तेजी से बढ़ गई। बस में आग लगी देख सभी मजदूर और अन्य यात्री खिड़की से कांच फोड़कर कूद गए और अपनी उन्होंने जान बचाई। कुछ दरवाजा तोड़कर बाहर निकले। इस बस में करीब 45 यात्री सवार थे। बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई, लेकिन बस बुरी तरह से जलने से लाखों का नुकसान हुआ है। थोड़ी बहुत चोटें यात्रियों को आई हैं, लेकिन सभी सुरक्षित हैं। वहीं एक गर्भवती महिला और छोटे बच्चे को भी आग से सुरक्षित बचाया गया।